शांति। आज की तारीख है 6/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। तो हमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अंत तक का सृष्टि चक्र का ज्ञान सुना रहे हैं। प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर है कि पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा दोरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ता रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। सुन लिया सभी ने? अब स्वदर्पण में सभी देखें, निश्चय है या नहीं है। गीत बजा है, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। नंबर 2, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है, कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हरेक की अंगुली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब आपका यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ भी लगाया उसमें 99% गंवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। अगर मान चाहिए तो निर्माण बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।